हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता आज आपके सामने एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्वीट कॉर्न रोटी। चलिए इसके लिए मैं आपको बता दूँ क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें वन बोल राइस एंड टू थर्ड बोल स्वीट कॉर्न। ये आप उबाल कर या कच्चा कैसा भी ले सकते हो। चावल को 3-4 घंटा के लिए सोख कीजिए। उसके बाद इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लीजिए। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम लोग डोसा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले तवे को हल्का सा ग्रीस कर लें और उसके बाद बैटर को आराम से हल्के हाथों से फैलाएं। इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। डोसा दोनों तरफ से तैयार हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से ये डोसा दोनों तरफ से कुक हो गया है और बनकर तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसको आप पिकल, टमाटर की चटनी या सॉस किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही आनंद आएगा। थैंक यू। इस मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी इसमें और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन डालती रहूंगी। थैंक यू।